हरिओम, मैं सुनील सिंह निगम इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बापू से तो काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, जैसा कि 2001 से मैं अपने पूजा घर में कंटिन्यू बापू की एक तस्वीर थी वो मैं देखता आ रहा हूँ, और खूब बड़ी बड़ी मूछें, बहुत स्मार्ट बंदे की तस्वीर है। मैं पूछता भी था घर में, मैं कौन है, ये सदगुरु हैं ऐसा बताया जाता है, बोले सदगुरु हैं ठीक है ना, इनके क्या कुछ चमत्कार करते हैं, वो हाथ देखते हैं, पत्रिका देखते हैं, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन मिल सकते हैं, बोले नहीं मिल भी नहीं सकते हैं ऐसे, अपने को मिलना हो, चरण स्पर्श लेना हो तो 151 राम नाम वही लिखो। मैंने, ये तो बहुत कठिन काम है गुरु महाराज, इससे तो मतलब काम से फुर्सत नहीं इतनी मिलती, तो ये कब लिखेंगे क्या करेंगे। खैर ठीक है, चलता रहा टाइम। 2008 से मैंने उपासना में जाना शुरू करा, और 2 साल के अंदर ही मेरे को काफ़ी रिजल्ट मिलते रहे अच्छे, कि हाँ बापू हैं, मतलब सिद्ध होता रहा मेरे सामने जीवन में कई कई बार। एक मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मिसेस को स्लिप डिस्क हो गया था, और ऐसी स्थिति में थी कि उसको उठना भी पॉसिबल नहीं था। कई दिन डॉक्टर ने बोला ट्रैक्शन लगाओ, एडमिट करा के घर ले आए, फिर भी पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर ने बोला घर में ट्रैक्शन वगैरह लगा देते हैं, हमने मना करा, इसने बोला नहीं मैं घर में ट्रैक्शन वगैरह नहीं लगवा पाऊँगी, मैं रेस्ट करती हूँ, सिकाई करती हूँ, ये करती हूँ, काफ़ी चलता रहा। आगे बेडरूम से आगे लाना है तो एक बेड लगा दिया वहाँ पे, भाई देखो लेटे ही रहना है फ्लैट बिल्कुल, बगैर तकिया के, पैर को थोड़ा सा ऊंचा रखना है, लेटे रहना है। मेरी ड्यूटी करीब करीब यही थी कि दिन भर मैं ऑफिस जाऊँ, नौकरी के काम करूँ, रात को आऊँ तो इनको जहाँ दर्द हो रहा है सब सरसों का तेल वगैरह से मालिश वालिश करके, बाम वाम वगैरह लगा के थोड़ा रिलैक्स कराने की कोशिश करूँ, कंटिन्यू चलता रहता। टॉयलेट जाना है तो मैं छोटे बच्चे की तरह मेरे को उठा के ले आना पड़ता था, और टॉयलेट में इनको बिठाना पड़ता था। 2-4 दिन ऐसा चलता रहा, मैं रात को 2-2, 3-3 बजे सो रहा हूँ, सुबह वापस ड्यूटी जा रहा हूँ। आखिर में मैं खुद इतना वो हो गया, थक गया, मिसेस खूब परेशान हुई। हम जैसे सोते थे बेड के सामने ही बापू और आई दोनों की तस्वीर लगी थी, तो मेरे को ध्यान है अच्छे से, रात को 12-1 बजे का टाइम था, मैंने मालिश वालिश सब करी, तेल वेल लगाया, और सिकाई उगाई के लिए पैड वेड सब वो करवा के कंप्लीट कराया। मैंने कहा चल थोड़ा रिलैक्स हुआ, बोले हाँ थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, और रोने लगी इतना के और आई की तरफ फोटो देखिए, बोले ए आई अगर तू माजी मराठी है, तू माजी खरी आई है, तो तू अच्छी वगनार का माला है, बिस्तर पे पड़े हुए तू इसे देखना है क्या मेरे को, अगर तू सच्ची में आई है और तू मेरा अगर सच्चा बाप है तो मेरे को उठाने, तो मेरे को उठा ले बिस्तर से, उठाने तो मेरे को उठा ले, ये इसका रात का शब्द। हमने मैंने फोकट बात मत कर, सब ठीक हो जाएगी आराम से, सोने के पहले 2 या 2:30 बज गए होंगे, मैंने इसको उठाया, बोले मेरे को टॉयलेट जाना, मैंने उठाया, बाथरूम में ले गया, टॉयलेट वगैरह कराया, ला के वापस फ्लैट लेटाया बिस्तर पे। मैंने यार थोड़ी देर मैं थक गया हूँ, बोले हाँ तुम लेट लो थोड़ी देर, मैं लेटा, 5:30 बजे मेरी नींद खुली, मेरा हाथ इधर गया तो ये बिस्तर पे नहीं, जैसे देखा मैंने बिस्तर में, घबरा के मैं ऐसा उठा, मैं एकदम से अटैच लेट बात का बेडरूम था, फटाक से उठ के दरवाजे खोला, मैंने बाथरूम में नहीं, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहाँ है, तो बोले तुम घबराओ मत मैं किचन में हूँ। मैं भागा भागा किचन गया, मैंने भाई तू यहाँ आई कैसे, तू ये बता, 8 दिन हो गए तू बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, आज मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा है, बोले मेरे को तो लगता है कि मेरे को मेरे आई और डैड से मेरे को झगड़ना ही पड़ता है, मतलब उनसे झगड़ू नहीं तब तक वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। और बस एक रात को उनको बोला आई ऐसा, और डेड ने सोचा कि ये कुछ करेगी या कुछ ज़बरदस्ती और तांडव करे, इससे तो इसको उठाना ही अच्छा है, तो मेरे को मतलब कितना अच्छा ठीक कर दिया। हालांकि चली धीरे 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 जाके चाय बनाई, और चाय बनाई रात को, मतलब सुबह 6:30, 5:30 बजे हमने दोनों ने बैठ के चाय पी, मैंने आप तेरे को कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोले मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, न जर्क लग रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि स्लिप डिस्क की मेरे को कोई शिकायत हुई अभी, फिर भी मैंने कोई वजन नहीं उठाना, अपन रिलैक्स लो। हरिओम श्री राम अम्बन।